मेरा नाम है अब्दुल्ला हमजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि बर्ड्स के न्यू फैंसियर है, यानी कि उन फ्रेंड्स को ये नहीं पता होता कि अगर हम अपने बर्ड्स को मार्केट से परचेज करते हैं तो हम उनको कौन कौन सी चीजें दें और किस तरह से उनकी केयर करें। तो मैं देख रहा था काफी दिन से इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हम अपने बर्ड्स की किस तरह से केयर करें, तो मैंने कहा चलो इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना लेते हैं और अपने फ्रेंड्स को बता देते हैं कि किस तरह से आप अपने बर्ड की केयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पर जाने से पहले नए फ्रेंड्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले आपने देखना है कि जब आप अपने बर्ड्स को मार्केट से परचेज करने जाते हैं तो आपने देखना है कि आपको बर्ड्स के जो फैदर और टेल वो पूरी होनी चाहिए और आपके बर्ड्स की बीक और उसके जो पंख है वो सही होने चाहिए। अगर आपके बर्ड्स के टेल या फैदर वगैरह कम होंगे तो वो कभी भी ब्रीड नहीं करेगा और उसके बीमार होने के भी चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। आपने बर्ड्स बिल्कुल एक्टिव ले हैं और बिल्कुल सही बर्ड मार्केट से परचेज करना है। तो फ्रेंड्स जब आप उस बर्ड को अपने घर लेके आएंगे आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने उसका केज ऐसी जगह पे शिफ्ट करना है जहाँ पे सूरज की रोशनी आती हो और एयर क्रॉस होती हो, यानी कि आपने अपने बर्ड्स को कोई ऐसी जगह पे नहीं रखना जहाँ पे मतलब कि आपने बंद कमरे में रख दिया और अंदर हवा वगैरह भी ना आती हो। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपका बर्ड्स डेफिनेटली बीमार होगा क्योंकि उसको सनलाइट वगैरह बाहर चीज को लाजमी चाहिए होती है और एयर भी लाजमी चाहिए होती है। सेकेंड आपने अपने बर्ड्स का जो है दाना के हिसाब से पानी चेंज करना है, कि आपने ये नहीं करना कि आपने पानी डाल दिया और आप दो तीन दिन बाद उसका पानी चेंज कर लिया, और दाना भी आपने दो तीन दिन बाद ही चेंज करना है, उसको फिर सरकट दाना डालना है, मतलब कि आपने पानी दाना के हिसाब से चेंज करना है और आपने दाना भी दाना के हिसाब से ही डालना है बर्ड के। अगर आप बिजी पीपल है तो आप उस बर्ड के डिब्बे में और दाना डाल दें उसी दाने के ऊपर पड़ी, और जब आप देख लें कि वो डिब्बा बनने लग जाए दाने वाला तो आप निकाल के उसको साफ कर लें और नया दाना उसकी जगह पर डाल दें। और फ्रेंड्स आपने अपने बर्ड्स को जो है ना जब आप मार्केट से लेके आते हैं ना आपने उसको एक कैप्सूल मेडिकल स्टोर से, हर मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाता है कैप्सूल। इस टाइम आप अपनी स्क्रीन में भी आप नोटिस कर सकते हैं कौन सा कैप्सूल है। तो आपने ये तीन दिन का कोर्स होता है, आपने एक लीटर की पानी की बोतल में एक कैप्सूल डालना है और आपने अपने बर्ड्स का रात को पानी निकाल देना है। सुबह जब आप अपने बर्ड्स को पानी डालने आएंगे तो आपने अपने बर्ड्स को वही वाला पानी डालना है कैप्सूल वाला, और आपको भाई जब पिएगा उसके अंदर से सारी बीमारियां वगैरह खत्म हो जाएंगी। अगर उसको अगर बीमारी लग भी रही है या उसको बर्ड एक्टिव है तो आपने उसको दे देना, तो आपके बर्ड के अंदर बीमारी लगने के चांसेस खत्म। फ्रेंड्स यही कुछ टिप्स थी आज की हमारी वीडियो की जो कि मैंने कहा अपने फ्रेंड्स को बता देता हूँ, और तो आप तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो हमारी आज की अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।